एवरीवन वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ हाउ टू अप्लाई फॉल्स आईलैशेस। तो ये वीडियो सबसे ज्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो है मेरे चैनल का, तो आई एम सॉरी मैं इतना ज्यादा टाइम ली हूँ, बट मैं ये वीडियो डालने से पहले मैं मेक श्योर करना चाहती थी कि आई एम गुड एट दिस। आई फील लाइक अभी मैं ठीक ठाक कर लेती हूँ, दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग दिस वीडियो। सो आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द एप्लीकेशन प्रोसेस। तो यहाँ पे मैं डेमो पर्पज़ के लिए यूज़ करूँ पैक का M75 फॉल्स आईलैशेस। तो बहुत ही अच्छा लैशेस है। नेक्स्ट आपको एक दो टूल्स लगेगा, जैसे कि आप देख सकते हो ट्वीज़र एंड एक फॉल्स लैश एप्लीकेटर। तो अगर आपके पास एप्लीकेटर नहीं है तो आप ट्वीज़र से भी काम चला सकते हो। सो लेफ्ट साइड का लैशेज आपके लेफ्ट आईज पे जाएगा एंड राइट साइड का राइट आईज पे। सबसे पहले मैं पैकेजिंग से लैशेज को रिमूव कर लूँगी, जो कि बहुत ही ईजी है। जस्ट आपको एक कॉर्नर पे पकड़ना है एंड देन जस्ट स्लाइटली पुल करना है एंड ये बाहर आ जाएगा। नेक्स्ट थोड़ा सा बेंड कर लूँगी इसको, ताकि ये आई शेप में ईजिली फिट हो। तो मैं लैशेज यहाँ से लेके आउटर कॉर्नर तक ऐसे अप्लाई करना। सो मैं थोड़ा सा गैप छोड़ देती हूँ इनर कॉर्नर के साइड पे। तो सबसे पहला काम है ट्रिमिंग करना, तो जिसके लिए मैं सबसे पहले आईज पे लैशेस को प्लेस करके देख लूँगी कि मुझे कितना ट्रिम करना है एंड अकॉर्डिंगली मैं इसको ट्रिम कर लूँगी। तो यहाँ पे आपको सीजर भी ज़रूरत होगा। सबसे पहले मैं आउटर कॉर्नर के साइड से थोड़ा सा ट्रिम कर लूँगी, ताकि वो पोक ना करे आईज पे। और दो बैंड मैं ट्रिम करूँगी फ्रॉम इनर कॉर्नर। ज़्यादा लेंथ वाला लैशेस मैं आउटर कॉर्नर पे रखना चाहती हूँ एंड दैट्स वाई मैं इनर कॉर्नर के साइड से ही कट करूँगी, बिकॉज मुझे थोड़ा लेंथनिंग वाला लैशेस पसंद है। मैं और एक बार फोर्स आई लैशेस को प्लेस करके देख लूँगी कि लेंथ ठीक है कि नहीं। एंड इसके बाद मैं थोड़ा सा अपने आईज पे कलर प्लेस करूँगी, जस्ट वन शेडो जो पूरे लीड पे मैं अप्लाई कर रही हूँ, एंड फ्लफी ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से इसको ब्लेंड कर लूँगी। इसके बाद मैं लाइनर अप्लाई करूँगी। ये भी ऑप्शनल स्टेप है, बट यूजुअली लैशेस के बैंड को हाइड करने के लिए लाइनर मैं ऑलवेज अप्लाई करती हूँ। सो मैं सबसे पहले लाइनर अप्लाई कर लूँगी, जस्ट बेसिक सा लाइनर लैश लाइन के एकदम क्लोज लाइन ड्रॉ कर लूँगी। नेक्स्ट मैं मस्कारा अप्लाई करती हूँ। सो यहाँ पे दो प्रोसेस है, आइदर आप मस्कारा बाद में अप्लाई करो और नहीं तो पहले अप्लाई करो। मुझे मस्कारा पहले अप्लाई करना पसंद है, इससे फॉल्स आईलैशेस बहुत इजीली स्टिक होता है और बहुत इजी होता है प्रोसेस। दैट्स व्हाई मैं पहले मस्कारा अप्लाई करती हूँ एंड देन मैं फॉल्स आईलैशेस अप्लाई करती हूँ। और यहाँ पे मैं ग्लू के लिए अप्लाई कर रही हूँ पैक का लैश फिक्सर। तो बहुत ही अच्छा ग्लू है, बिकॉज इसमें एप्लीकेटर मिलता है, सो इजीली आप इसको अप्लाई कर सकते हो। ये ट्रांसपेरेंट ग्लू है, आप चाहो तो ब्लैक शेड में भी ग्लू ले सकते हो। मैं लैशेस के बैंड को थिन कोट कर लूँगी ग्लू के साथ एंड वेट करूँगी 5 to 10 seconds। नेक्स्ट मैं लैशेस को प्लेस करूँगी, एकदम लैश लाइन के क्लोज प्लेस कर लूँगी। और आप देख सकते हो सबसे पहले मैं आउटर कॉर्नर पे पुश करूँगी, ताकि ये अच्छे से स्किन के साथ स्टिक हो जाए। सो इसको पुश करते रहना है। तो आउटर कॉर्नर एंड देन इनर कॉर्नर पे मैं प्लेस करूँगी अच्छे से। इसके बाद मैं फॉल्स आईलैशेस एंड नेचुरल आईलैशेस को थोड़ा सा प्रेस कर दूँगी, ताकि वो अच्छे से स्टिक हो जाए। इसके बाद अगर ये ज़रूरत है, अगर आपको दिख रहा है कि बैंड थोड़ा सा विजिबल है, तो आप फिर से लिक्विड आईलाइनर अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो थोड़ा बहुत दिख रहा है मेरा लैश बैंड, दैट्स व्हाई मैं फिर से लाइनर अप्लाई कर रही हूँ। एंड इसके बाद हाइलाइटर से इनर कॉर्नर एंड ब्राउ बोन को भी हाईलाइट कर लूँगी। फर्स्ट टाइम अप्लाई करने से परफेक्टली अप्लाई आप नहीं कर पाओगे, ये प्रैक्टिस के साथ ही अच्छा हो सकता है। मैं बहुत दिनों से प्रैक्टिस कर रही हूँ, अप्लाई कर रही हूँ, दैट्स व्हाई मैं अभी परफेक्टली कर लेती हूँ। सो अगर आप बिगनर हो और जस्ट सीखना चाहते हो, देन आप कुछ अफोर्डेबल लैशेस ट्राई कर सकते हो, बिकॉज पैक का लैशेस थोड़ा सा कॉस्टली होता है। तो मैं कुछ लैशेस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, इनकेस अगर आपको चेकआउट करना है तो आप चेकआउट कर सकते हो। एंड इसी के साथ मेरा ट्यूटोरियल ख़त्म होता है। आई होप ये बहुत सिंपल एंड क्विक ट्यूटोरियल आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा।
सो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं आपसे फिर से मिलूंगी न्यू वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।